नमस्कार जी, मैं मंजू। मौसम मेरे यहाँ सुहाना हुआ है और बारिश भी कल हुई है, पर कल का जो टेम्परेचर था मेरे यहाँ 35 था और अभी 3-4 दिन में भी 35-36 बताया हुआ है अनुमानित टेम्परेचर। जो तो बीच में धूप भी आ जाती है और बीच में बादल भी बने रहते हैं। तो मैंने इस अच्छे मौसम में, मॉनसून में, नर्सरी से, जो रोड साइड नर्सरी होती है, वहाँ से कुछ प्लांट्स लिए हैं, वो मैं दिखाऊंगी। और मैंने ऑनलाइन शॉपिंग भी की है। तो आप जो मेरे भाई बहन इस टाइम जो फ्रूट्स के प्लांट्स लेना चाहते हैं, तो नर्सरी में जाके अपनी पसंद के ले सकते हैं। तो मैंने क्या ख़रीदा है ये मैं आपको बताऊंगी। मैंने ये एक अमरूद का प्लांट लिया है। तो ये इसकी जो वैरायटी है वो L49, और एक मैंने ये फिग ख़रीदा है अच्छी क्वालिटी वाला, और इसकी जो वैरायटी है पूना फिग, ये है। तो ये मुझे 40-40 रुपीज़ के मिले हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये वाले प्लांट्स मैंने क्यों रखे हैं, तो ये मैंने आपको याद दिलाने के लिए रखे हैं कि इस टाइम मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया है, चाहे ड्रेसिना लो तो इसकी कटिंग आप छोटे छोटे डिब्बों में भी लगा सकते हैं। बस यहाँ से कट कर दीजिए और कुछ पत्तियाँ उतार के, और ये कैंची से थोड़ी हल्की पत्तियाँ काट के तो कटिंग लगा दीजिए, 2-3 हफ्ते में अच्छी रूट्स आ जाती हैं। और इसी तरह से ये क्रोटोन भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने खुद घर में तैयार खूब सारे किए हुए हैं। ये क्रोटोन भी कटिंग ऊपर से काटिए, ये 5 इंची ले लीजिए, 4 इंची ले लीजिए या 6 इंची ले लीजिए, पत्तियाँ उतार के ऊपर 2 पत्तियाँ रहने दीजिए और सीधे कटिंग लगा दीजिए और छाया में रखिए। इसी तरह से ये, और ये क्रोटोन की भी ये ऐसी लगाई। तो चलो, ये बीच दूसरे काम की भी चीज़ होगी। और मैंने क्या शॉपिंग की है, ये तो नर्सरी की, जो रोड साइड नर्सरी से जो फ्रूट प्लांट खरीदते हैं उसकी शॉपिंग होगी। बाकी मैंने जो ऑनलाइन शॉपिंग की है वो हमेशा की तरह जो मुझे पॉट्स अच्छे लगते हैं ये मैंने खरीदे हैं, 2 सेट मैंने खरीदे हैं अमेज़ोन से। तो ये आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से। तो एक पॉट जो मैंने वो इस्तेमाल कर लिया है, तो इनके एक जो सेट में है ये 3 पॉट हैं, और साथ में ये बॉटम ट्रे भी मिली है। और 2 सेट खरीदे हैं तो ये 6 पॉट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एक मैंने ऊपर इस्तेमाल कर लिया और ये साथ में 6 ट्रे। तो ये दोनों सेट की मुझे जो कीमत पड़ी है 1420 रुपया लिया है। तो एक सेट में जो डिलीवरी चार्जेस वो 70 रुपीज़ हैं, तो 1420 में जो है हमारे 140 रुपये वो डिलीवरी चार्जेस हैं। ऑर्डर मैंने एक ही दिन में किया था, हालांकि एक ही पैक में उन्होंने ये दोनों सेट पैक कर दिए थे, पर डिलीवरी चार्जेस उन्होंने अलग अलग लिए हैं। तो बस ये मेरी शॉपिंग है। और मेरे बहन भाई जो अभी कुछ इस तरह से ख़रीदना चाहते हैं, ये पॉट मुझे बहुत ही पसंद है, ये देखना चाहेंगे आप अमेज़ोन से, तो ये मल्होत्रा प्लास्टिक वालों के आप देख सकते हैं। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ क्या साइज़ है क्या नहीं, तो वो पुराने वीडियोस में मेरे देख लें, तो पूरे मैंने दिया हुआ लंबाई में ये कितने हैं, चौड़ाई में कितने हैं। बस कलर इनका जो है धूप में हल्का हो जाता है, बाकी पूरा दिन धूप में के पड़े रहते हैं। बहुत ही रफली मैंने इस्तेमाल की है, तो बहुत ही बढ़िया है। और ट्रे को भी मैंने अलग से भी इसमें प्लांट्स लगाए हैं, और इनके नीचे भी आप रख सकते हैं। तो ये इस तरह के पॉट्स हैं, तो आप पुराने वीडियोस में मेरे देख सकते हैं। तो आज मैं इनमें मिट्टी जो अपनी कंपोस्ट तैयार की हुई है मैं वो भरूँगी और प्लांट्स लगाऊँगी। तो बस ये मेरे अभी की जो शॉपिंग है, तो ये मेरे परसों आए हैं, तो आज इन पे मुझे काम करना है। पहले साबुन से अच्छे से धोऊंगी, इनको साफ़ करूंगी, फिर ड्रेनेज होल देके सारी कंपोस्ट भर के फिर देखूंगी क्या क्या प्लांट्स लगाने। और ये फिग भी मुझे इन्हीं में ही लगाऊंगी, मैं इसी में ही लगाऊंगी, और ये अमरूद का प्लांट भी इसी में ही लगाऊंगी। तो अब करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो ये छोटा सा पसंद आया होगा, और जिस किसी चीज़ की भी आप कटिंग अभी लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। जो अभी मैंने कटिंग लगाने पे वीडियोस बनाए हुए हैं तो वो मेरे देख लें, और उसी तरीके से सब कटिंग लगनी है, चाहे बेल के पौधे ले लें, प्लांट ले लें, उनकी कटिंग लगा लें, चाहे एयर लेयरिंग करें। इस टाइम एयर लेयरिंग भी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, रूट्स अच्छी बनते हैं, तो ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और इस मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाइए, ढेर सारे प्लांट्स आप बनाइए, अपने घर को हरा भरा बनाइए, अपने आसपास हरा भरा रखिए। और मेरे घर में जो टेलर वर्ड के बच्चे हैं वो देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो दूसरे चैनल पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, उनके 2 पार्ट डाले हुए हैं, अंडे
वाला वीडियो भी। अब देखो इनकी चोंच भी ये पीले रंग की दिखने लगी है, ये देखा, ये अभी बोल ही नहीं रहे हैं, अपनी मर्जी से बोलते हैं। ये देखो ये बोल रहे, ये सुना आपने, ऐसे छोटे छोटे हो रहे, कुछ दिनों में ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। तीन बच्चे दिए हैं उसने, चार अंडे दिए थे, एक बच्चा उधर दुबक के बैठा और एक अंडा खराब हो गया, वो निकला ही नहीं है। तो अभी तक नहीं निकला तो इसका मतलब वो खराब ही होगा। नमस्ते जी, शुक्रिया।